हॉलीवुड की सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें खूंखार भेड़िया बताया गया है जो कोई काल्पनिक जीव नहीं है बल्कि सच में हमारी धरती पर मौजूद था। इसका नाम है डायरवॉल्फ। आज हम इसी खूंखार भेड़िया के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। यह खूंखार भेड़िया कहाँ से आया था, कितने साल पहले मौजूद था और आज के बुरे भेड़िए से कितना मिलता जुलता था, ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। डायरवुल्फ आज से करीब 2,40,000 साल से लास्ट आइस एज तक 11,000 साल पहले जीवित था। यह अमेरिका के जंगल में पाया जाता था, जहां पर यह हिम युग में मौजूद घोड़ों को अपना शिकार बनाता था क्योंकि यही इसका सबसे पसंदीदा खुराक था। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार बुरे भेड़िए और डायरवुल्फ दिखने में एक जैसे भले ही लगते हो, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी समानता नहीं है। डायरवुल्फ का अर्थ होता है भयानक मांसाहारी भेड़िया। यह कुत्ते के दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं। उस वक्त डायरवुल्फ के साथ सेबर टूथ टाइगर और जायंट ग्राउंड स्लॉथ भी मौजूद थे, जिसमें सेबर टूथ टाइगर और डायरवुल्फ की लड़ाइयां अक्सर होती रहती थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के शिकार को झपटने की कोशिश करते थे, जिनमें दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबर टूथ टाइगर ज्यादातर अकेले ही होता था और डायरवुल्फ झुंड में रहते थे। वैज्ञानिकों को लॉस एंजलिस के द ला बेटार पीट्स में 1,000 डायरवुल्फ और सेबर टूथ टाइगर के जीवाश्म मिले थे। डायरवुल्फ का वजन करीब 70 से 80 किलोग्राम और लंबाई 5 फीट होती थी, जो आधुनिक सबसे बड़े भेड़िए की प्रजाति से 25% ज्यादा भारी था। इसकी मांसपेशियां आधुनिक भेड़िए की तुलना में बहुत ही ज्यादा मजबूत होती थी और साथ ही उनके जबड़े इतने मजबूत होते थे कि उस वक्त मौजूद शिकार को एक ही वार में हड्डियों सहित काट सकते थे। इसके शिकार का ज्यादातर हिस्सा हिम युग के घोड़े ही बनते थे। ज्यादातर जीवाश्म वैज्ञानिक यही मानते हैं कि डायरवुल्फ का जन्म उत्तरी अमेरिका में हुआ था और बाद में वे लोग शिकार की तलाश में घूमते घूमते दक्षिण अमेरिका में पहुंचे होंगे। चलिए अब देखते हैं कि यह भयानक भेड़िया विलुप्त कैसे हुआ। हमने पहले ही बात की कि सेबर टूथ टाइगर के साथ डायरवुल्फ की लड़ाई अक्सर होती रहती थी। इसमें डायरवुल्फ को ही नुकसान होता था क्योंकि सेबर टूथ टाइगर इससे बहुत ही ज़्यादा भारी और ताकतवर थे। इसके अलावा उस वक्त मौजूद इंसान भी दूसरे जानवरों को मारकर ही खाता था, जिसमें ये जानवर भी मौजूद थे जिस पर डायरवुल्फ निर्भर करता था, और साथ ही इंसान ने इसका शिकार भी करना शुरू कर दिया। उस वक्त मौजूद इंसान और अन्य जानवरों के साथ संघर्ष के कारण डायरवुल्फ हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।